नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए विपक्ष के INDIA यानी इंडिया गठबंधन पर भी जोरदार तंज कसा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। पीएम मोदी ने कल भी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में विपक्ष गठबंधन पर जमकर निशाना साधा था, घमंडिया गठबंधन कहा था। उन्होंने अपने सांसदों को कहा था कि विपक्ष के अंतिम गेंद पर छक्का मारने की जरूरत है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन ने उपनिवेशवाद से देश को मुक्ति दिलाने का काम किया। आज भारत एक आवाज में कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टिकरण भारत छोड़ो। गौरतलब है कि इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। विपक्ष मणिपुर, नू हिंसा, महंगाई और चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर 11 अगस्त को जवाब दे सकते हैं। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव के पहले दिन चर्चा से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी पीएम मोदी ने विपक्ष के INDIA यानी इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने इसे घमंडी गठबंधन का नाम दिया था। इस बीच लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर आरोपों के तीर चल रहे हैं। कांग्रेस ने जहां मणिपुर, महंगाई और चीन घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया, वहीं सत्ता पक्ष केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विकास के जरिए विपक्ष को जवाब दे रही है। गौरव गोंगाई ने मणिपुर में हिंसा के मामले पर केंद्र पर तीखे सवाल उठाए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। और भी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।